आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम उर्दू में फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। फेल माजी मुकम्मल पहचान क्या है इसकी? चुका था, चुकी थी, चुके थे। आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये यूज करते थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा था? अगर आपको याद हो, हैज और हैव, और हैज सिंगुलर के लिए यूज हो रहा था और हैव प्लूरल के लिए। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा, नो मैटर वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, बोथ के लिए हैड यूज होगा। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी। इट, आपको याद होगा बारिश हो चुकी है के लिए मैंने लिखा था इट हैज रेन, यहाँ पे इट हैड रेन्ड। ये तो मैंने सिंगुलर के लिए लिखा है ना, प्लूरल के लिए भी लिखते हैं। अच्छा, अगर नहीं हो जाएगा तो इट हैड नॉट रेन्ड। क्या बारिश हो चुकी थी? हैड इट रेन्ड। तो याद रखे, हेल्पिंग वर्ब हैड, हैज और हैव यूज करने के बावजूद आपके फॉर्म ऑफ वर्ब पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको याद होगा डू डज और डिड की केस में फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट यूज होती थी, लेकिन हैज हैव एंड हैड डोंट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर मैं कहता हूं कि मौसम में गर्मा की बारिशें हो चुकी थी, मौसम में गर्मा की बारिशें हो चुकी थी। आप देखिए ये प्लूरल है, तो आप ये ना सोचे कि ये तो प्लूरल है, अब यहाँ पे मैं हैव यूज करूँ। नहीं, हैड ही यूज होगा, वेदर इट इज सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में ही हैड यूज होगा। समर रेंज हैड रेंड, समर रेंज हैड रेंड। अब देखिए हैड यूज हो रहा है, तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपके सेंटेंस पे इफेक्ट नहीं होगा, हैड यूज होगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब। हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड। आपके माइंड में होगा तो ये तो कि ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के केस में क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स को भी हम देखेंगे, पहले आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी। जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी देखेंगे। अभी आप टेंसेस की पहचान सीखें कि कौन सा टेंस है ये, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड। हम खाना नहीं खा चुके थे, वी हैड नॉट ईटन फूड, सिंपली नॉट आ जाएगा, और हैड वी ईटन फूड, तो बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं। अबे मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर सेंटेंस एक लिखूं कि अली के रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले, अली के रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल गाड़ी जा चुकी थी,
अब अगर आप देखें ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन, अली का रेलवे स्टेशन पहुंचना और रेलगाड़ी का जाना। तो रेलगाड़ी जा चुकी थी, ये तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि अभी हमने बताया कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचना, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी आएगा, वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इनडेफिनेट टेंस, पास्ट इनडेफिनेट। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट इनडेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, बिफोर अली। अब देखिए पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म होती है ना यूज, तो आप लिखेंगे बिफोर अली रीच्ड रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन। हैड क्यों यूज किया मैंने? बिकॉज इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस वक्त। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या यूज होता हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैंने हैड यूज किया और गो की थर्ड फॉर्म गॉन यूज की, गो वेंट गॉन। बिफोर अली रीच्ड रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। अगर मैं कहता हूँ नहीं जा चुकी थी, बिफोर अली रीच्ड रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट गॉन। क्या जा चुकी थी? बिफोर अली रीच रेलवे स्टेशन हैड द ट्रेन गॉन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। इसको, इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम टेंसेस को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इशू हो इसमें आप पूछिए कमेंट्स में।